गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस थे, उसको अपन एक बार कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज ए वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर इक्वल्स आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस टू के कैप। बी वेक्टर इक्वल्स थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस सेवन के कैप। सी वेक्टर इक्वल्स टू आई माइनस जे प्लस फोर के कैप। फाइंड द वेक्टर डी विच इज इन परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो D इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B एंड सेटिस्फाइज C डॉट D इक्वल टू 15। तो काफ़ी इजी सा सवाल है। D अगर इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है तो आपको पता है कि D वेक्टर कैसे निकलेगा इन दोनों के क्रॉस से, समझ में आएगा। मैग्नीट्यूड विल बी डिफरेंट बट D होगा किसके अलॉन्ग, A क्रॉस B के अलॉन्ग, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये A क्रॉस B निकाल लेते हैं और उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं बिकॉज वी डोंट नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डी वेक्टर, राइट। तो लैम्डा विल एडजस्ट टू दिस। तो अलग है कि दैट इज गोइंग टू बी आई जे के 1 4 का 2 है नहीं और 3 माइनस 2 7, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो दिस इज गोइंग टू बी लैम्डा टाइम्स और 28 और 4 हो गया ना, 32 हो जाएगा शायद, 32 आई का और माइनस जे के साथ क्या आएगा 7 और माइनस 6 1 हो गया क्या, तो 7 माइनस 6 1, तो माइनस जे का एक बार फिर से चेक कर लेता है, 28 4 32 7 में से 6 गया 1 और प्लस के साथ क्या आएगा माइनस 2, तो माइनस 14 हो रहा है शायद, हाँ। और सी डॉट डी राइट एंड दैट इज इक्वल टू वॉट 15। तो लैम्डा अभी हमारे लिए अननोन है, उसको इससे निकाल सकते हैं। तो ये बन जाएगा लैम्डा तो कॉमन ही आ जाएगा सी डॉट डी में, 32 दूनी 64 मतलब 32 दूनी 64 प्लस 1 और माइनस 56 हो गया ना इक्वल टू 15, क्या बोलती जनता, 65 और 56 शायद 15 ही आ रहा है, लैम्डा 1 आ रहा है शायद। तो मेरे ख्याल से यही आ जाएगा लैम्डा 1 का 32 आई कैप माइनस 14 माइनस जे कैप प्लस 14 के कैप, आई थिंक सो। बाकी इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, अगर मिल जाता तो शायद मज़ा आ जाता। कहीं दिख नहीं रहा यार, तो मान लेते हैं यही होगा और तो क्या है, पता नहीं यार। चलिए इसी को मान लीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे कहीं दिख नहीं रहा। और दूसरा जो अपने पास सवाल था वो देख लेते हैं। दूसरा सवाल शायद था ऐसा कुछ ओ ए क्रॉस ओ बी करके था, नहीं एक ऐसा था कि ओ ए बी सी आर द बटाइस ऑफ द टेट्राहेड्रन और आपको दिया हुआ है ओ ए क्रॉस ओ बी एंड ओ ए क्रॉस ओ बी वॉज गिवन टू बी आई माइनस जे प्लस के, देन वॉज ओ बी क्रॉस ओ सी एंड देट वॉज आई कैप
and OC cross OA. That was minus I plus J cap. And it is being asked CA cross CB. तो भाई सी ए क्रॉस सी बी क्या होगा, तो वी कैन ओपन इट. क्या बोलते हो, सी ए क्रॉस सी बी अगर ओ के रेस्पेक्ट में ओपन करें तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज ओ ए माइनस ओ सी क्रॉस ओ बी माइनस ओ सी. तो दैट इज गोइंग टू बी दिस क्रॉस दिस दैट इज ओ ए क्रॉस ओ बी. नहीं, और फिर देखो इनका आएगा माइनस ओ ए क्रॉस ओ सी, तो मैं इसके हिसाब से लिख रहा हूँ. तो माइनस ओ ए क्रॉस ओ सी बाई डायरेक्शन आपको पता चलता होगा कि दिस इज ओ सी क्रॉस ओ ए, और फिर माइनस ओ सी क्रॉस ओ बी इज गोइंग टू बी ओ बी क्रॉस ओ सी. उल्टा कर दिया और ओ सी क्रॉस ओ सी तो जीरो हो गया, तो ये ओ ए क्रॉस ओ बी पहला ही है, ओ बी क्रॉस ओ सी ये दूसरा ही दिख रहा है, और ओ सी क्रॉस ओ ए तीसरा दिख रहा है. तो इन्हीं तीनों का सम लिखा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि दिस इज नथिंग बट आई कैप प्लस के कैप, जे कैप कट जाएगा. चेक कर लेना, ये सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है ना. एक क्वेश्चन फिर और आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सा था, थर्ड वन. आर क्रॉस बी इक्वल टू शायद था सी क्रॉस बी एंड आर डॉट ए वॉज ज़ीरो, और ए बी सी ऐसे कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है. तो निकाल सकते हैं ए बी सी जो भी वेक्टर्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से. नहीं, तो उसमें कुल मिला के बात क्या है वो देख लेते हैं एक बार, कि इसको लेफ्ट में ले आओ, और ऐसा एक आपने इलस्ट्रेशन देखा ही होगा ट्रू फॉल्स वाले में. तो आर क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू नल वेक्टर, तो आर माइनस सी क्रॉस बी इज नल वेक्टर. अब आर माइनस सी क्रॉस ओ बी अगर नल वेक्टर है दोस्त, तो आपको पता ही ये दोनों को पैरेलल होना पड़ेगा. नहीं, तो आर माइनस सी इक्वल टू लैम्डा बी, अगर कोई आर माइनस सी समझ आ रहा है ना कि कुछ जीरो वीरो भी मान ले, तो ये लैम्डा की वैल्यू अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगी. लैम्डा जैसे जीरो अगर इनकेस आ गया तो अपने आप ही ये सब आ जाएगा, ठीक है ना. तो आपको कुछ ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप तो आर माइनस सी इक्वल टू लैम्डा बी लिखिए, तो आर इक्वल टू सी प्लस लैम्डा बी हो गया. अब लैम्डा निकालना है. लैम्डा कैसे निकलेगा कि आर डॉट ए की वैल्यू जीरो दी हुई, ये दूसरी इक्वेशन है. तो हमने कहा साहब कि इसको डॉट कर देते हैं ए के साथ, तो जीरो ही है ना. हाँ, तो अगर ए के साथ डॉट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज आर डॉट ए इक्वल सी डॉट ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी डॉट ए. और यहाँ पे देख सकते हैं आर डॉट ए अगर जीरो है तो मेरे ख्याल से सी डॉट ए निकाल सकते हैं. सी डॉट ए मैं ओरली निकाल देता हूँ, बाकी आप चेक करके देख लीजिएगा. चार दुनी आठ लग रहा है और आठ और सात पंद्रह लग रहा है, तो C डॉट A इज 15, तो माइनस 15 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B डॉट A. B डॉट A देख लेते हैं दो और प्लस एक तीन, तो लैम्डा शायद माइनस 5 आ रहा है दोस्त, तो लैम्डा की वैल्यू माइनस 5 इसमें रख दीजिएगा. C और B वेक्टर आपको दिए हुए होंगे तो वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है. उसके बाद एक सवाल था आपका कि ए बी सी डी आर द पोजिशन वैक्टर ऑफ द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी. अच्छा, तो ये जो एक्चुअली लिखा हुआ है ना ऊपर, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस डी प्लस डी क्रॉस ए, इसको पहचानने वाली चीज़ है, ठीक है ना. और बी माइनस ए डॉट डी माइनस ए, ऊपर इन्हीं का क्रॉस लिखा हुआ है. आप बोलोगे सर कैसे 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 सर, देखो ऐसे 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 बी माइनस ए क्रॉस डी माइनस ए जब लिखोगे तो क्या आएगा. आंसर इज ये जो दिया हुआ है यही आएगा, क्योंकि ए क्रॉस ए इसमें जीरो हो जाएगा. देखो करके दिखा देते हैं, इसमें एक आएगा बी क्रॉस डी हाजिर है, माइनस ए क्रॉस डी दैट इज प्लस डी क्रॉस ए हाजिर है, और फिर माइनस बी क्रॉस ए दैट इज ए क्रॉस बी हाजिर है, ठीक है ना. और ए क्रॉस ए जीरो गैर हाजिर है, समझ में आ गया क्या. तो यानी b माइनस ए क्रॉस d माइनस ए, तो ये दिख रहा है ना कि एक वेक्टर है. जैसे अगर मान लीजिए कि एक क्वाड्रिलेटरल आपने लिया इस तरीके से, मान लीजिए हैविंग पोजिशन वेक्टर्स ए बी, क्या बन गया भाई. हाँ, हम लोगों ने बोला कि एक इस तरीके से a वेक्टर b वेक्टर पोजिशन वेक्टर्स c और d लिया आपने, तो ये जो भी है ना b माइनस ए क्रॉस d माइनस ए दैट इज गोइंग टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू.
और नीचे क्या होगा, कॉस ऑफ द एंगल, मतलब ये टेन थीटा दिया हुआ है दोस्त। और बोला कि इफ ए बी सी डी आर द पोजिशन ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो जो दूसरा टर्म देखोगे वो टेन पाई माइनस थीटा आ जाएगा, तो टेन थीटा और प्लस टेन पाई माइनस थीटा दैट इज गोइंग टू बी जीरो। उसके बाद वही दो शब्द एंस प्रूव, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से यही चार सवाल थे, ठीक है ना। बाकी जो इसके आगे का एरिया वेक्टर करके है तो वो अब आप देख सकते हैं। बाकी मैं होमवर्क लिख देता हूँ, थोड़ा होमवर्क में हम लोगों ने वेक्टर्स में एक्सरसाइज वन में 1 to 24 25 कर लिया है, और बाकी मेरा मानना है कि उसके पहले के आप लोगों ने कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो उसको कीजिए, ठीक है। तो एक तो वो है ही, और एक सेकेंड, मैं ऐसे ही अभी दे देता हूँ। एक्सरसाइज टू में भी आप क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक तो कर लीजिए। ठीक है, और बाकी समय अगर बचे तो बर्बाद नहीं कीजिएगा, जो भी है रिवाइज वाइज कर लीजिएगा। एरिया वेक्टर जो है वो मैथ्स में तो इतना ज़्यादा कोई यूज़ होता नहीं उसका, मेनली तो उसका फिजिक्स में ही यूज़ रहता है, समझ में आएगा, शायद पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने, नहीं, फ्लक्स कैलकुलेट और इस तरह की चीज़ें कैलकुलेट करने में, फ्लूइड में भी आता है शायद कहीं, और इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह में भी आता है, ये कुछ छोटे छोटे से ऐसे नहीं एरिया रहते हैं, उसका एरिया वेक्टर डिफाइन करते हैं, नहीं तो वैसे ही कुछ है। यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक क्लोज बाउंड्री है, प्लेन सरफेस है, क्लोज प्लेन सरफेस, ठीक है ना, जैसे मान लो इस तरह का कोई भी क्लोज सरफेस है, और मान लो कि इसकी बाउंड्री को इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया, सपोज, मतलब क्वेश्चन में हम अपने हिसाब से भी, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं, बट फॉर द टाइमिंग मान लो कि दिस इज सम क्लोज बाउंड्री, और हम लोग बोलेंगे कि दिस इज़ ए प्लेन सरफेस, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग एरिया वेक्टर एसोसिएट कर सकते हैं। एरिया वेक्टर एसोसिएट करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं क्या, कि एक तो ये बात का ध्यान रखेंगे कि जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन सरफेस, और जो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस प्लेन सरफेस, समझ में आएगा। अब अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो दो डायरेक्शन है, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, दो डायरेक्शन है ना, एक ऊपर की साइड भी होगा एक नीचे, तो हम लोग बोलेंगे जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी इन अकॉर्डेंस विद द डिफाइनिंग ऑफ या डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस बाउंड्री। तो अगर अभी हम देखें कि इसका डिस्क्रिप्शन नहीं तो कहाँ आएगा, बाहर, और एक चीज़ को और ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें बाउंड्री क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर बाउंड्री क्रॉस हो रही है, जैसे मान लो इसे ऐसे कुछ आएगा फिर नहीं, तो फिर इसमें एरिया वेक्टर एसोसिएट नहीं कर पाएंगे। उसका सिंपल रीजन है कि ऐसा लगेगा कि इधर की साइड तो ये अंदर की तरफ जा रहा है शायद, और ये कहाँ आ रहा है, बाहर। तो इस तरह के प्लेन सरफेस के साथ एरिया वेक्टर हम एसोसिएट नहीं कर सकते हैं, बट इसके साथ कर सकते हैं, और करने के लिए बस वही दो चीज़ों, तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। इनफैक्ट एक तो क्या कि जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए एरिया वेक्टर का दैट मस्ट बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस, दूसरा द डायरेक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर एंड मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बाउंड्री। लेकिन ना विद एवरी क्लोज बाउंड सरफेस with every closed bound surface whose boundaries do not cross, with every closed bound surface whose boundaries do not cross and which has been described in a certain specific manner an area vector can be associated whose magnitude is equal to the area of the plane surface and direction is perpendicular to the plane surface
and must be in accordance with the manner in which the boundary is defined. The boundary is defined and follows right hander system. Okay. ठीक है, अगर कोई बोलता है वेक्टर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल मान लेते हैं एक ट्राइंगल एबीसी है जिनके पोजीशन वेक्टर्स हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर है, सी वेक्टर, एंड द बाउंड्री सपोज डिस्क्राइब लाइक दिस. ठीक है ना, तो अलग अलग क्या कि द पोजिशन वैक्टर्स ऑफ द वर्टाइसेस आर गिवन और इस तरीके से ये डिस्क्राइब्ड है, समझ में आएंगे. और इसका कोई बोलता है कि एरिया वेक्टर लिखने के लिए, तो एरिया वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, हाफ. आप देख सकते हो कि ये बाहर की साइड आएगा, तो बाहर की साइड आएगा तो आपको इस तरीके से क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि हाफ पहले तो आप डायरेक्शन वेरीफाई कर लो, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, तो जब बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस करो ए करोगे तो भी बाहर आएगा. और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करोगे एरिया वेक्टर के, तो दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ऑल्सो, समझ में आएगा. ये समझ में आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड से मैं तो हम लोग हो सकते हैं हाफ और बी क्रॉस सी, नहीं फिर आप देख सकते हो माइनस ऑफ ए क्रॉस माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, तो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए इज A क्रॉस B, फिर आएगा माइनस ऑफ A क्रॉस C, दैट इज, और फाइनली A क्रॉस A क्या हो जाएगा, जीरो. तो ये बिल्कुल साइक्लिक आएगा, हाफ A क्रॉस B, B क्रॉस C एंड C क्रॉस A. तो दिस विल बी द एरिया वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रायंगल. अगर फिर से तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, तो पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि तीनों पॉइंट कॉलिनियर है तो एरिया क्या कर देंगे, जीरो. तो हम लोगों ने क्वालिटी का कंडीशन भी आ जाएगा, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A इक्वल टू जीरो, कंडीशन ऑफ क्वालिटी करके लिख लेंगे. हो गया, लिख लिया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल half modulus of d1 cross d2, half modulus of d1 cross d2. हम लोग क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, डायगनल वेक्टर सर d1 और d2 है शायद, कुछ ऐसा ही है ना शायद. तो आप चाहो तो इसको d1 मान लो और इसको क्या मान लो, d2. ठीक है ना, दिस इज वन ऑफ द डायगनल वेक्टर, d1 वेक्टर, वही क्या हो गया d2. इसको हम लोग a वेक्टर पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, तो आप देख सकते हो b वेक्टर इज d1 और c माइनस a इज व्हाट, d2. तो हम लोग जनरली जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालते हैं उसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर लेते हैं और उसके हिसाब से एरिया निकालते हैं, नहीं. तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अब हम लोग को एरिया वेक्टर डिफाइन करना चाहिए ताकि दोनों ऐड हो. तो एरिया वेक्टर हमने अपने हिसाब से बाउंड्री को डिस्क्राइब कर दिया ऐसे,
ताकि दोनों एक डायरेक्शन के एरिया वेक्टर्स हों और वो दोनों आपस में क्या हो जाए ऐड। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर इस वाले पार्ट का एरिया निकालोगे तो दैट इज हाफ ए क्रॉस बी, और प्लस उधर से निकालोगे तो हाफ तो दोनों का इंडिविजुअल मॉड नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने दोनों को सेम डायरेक्शन में क्या किया है डिफाइन, तो हाफ बाहर आ जाएगा। और हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज सी माइनस ए ना, तो हम लोग बोल सकते हैं इसको लिख लो माइनस ये लिख सकते हैं ना भाई, तो हम लोग लेंगे हाफ और ये आ जाएगा बी क्रॉस और सी माइनस क्या आ जाएगा ए, और सी माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा सी माइनस ए भी लिख लो पहले, तो b किसके बराबर हो गया d1 और c माइनस ए किसके बराबर हो गया d2, तो दैट इज हाफ मॉडुलस ऑफ d1 क्रॉस g2। नेक्स्ट रीडिंग इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, shortest distance between two skew lines, shortest distance between two skew lines, तो skew lines मतलब दो lines जो कि non coplanar होंगी, ठीक है ना, बाकी हम लोग इसको plane में दिखा रहे हैं but of course वो दो same plane की line नहीं है। तो हम लोग बोले कि मान लो एक line है r equal to a plus lambda p, और दूसरी लाइन है b प्लस म्यू क्यू, तो अब ये मत बोलते ना कि इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग है और पैरेलल भी नहीं है, समझ में आएगा, ये दो अलग अलग प्लेन्स की लाइन है, समझ में आएगा। इसके बीच में पहले तो शॉर्टेज डिस्टेंस डिफाइन करना पड़ेगा, शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि दिस इज जैसे कि अगर दो हम लोग लाइन्स ले रहे हैं स्क्यू, मान लो कि इस तरीके से दो लाइन ले लिया, समझ में आएगा, तो हम लोग बोले कि कैसे भी ले सकते हो तुम्हारी इच्छा हो, बस नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप का ले लेना जो भी लेना, ठीक है ना। तो हम लोग अगर मान लो कि इस तरीके से कोई भी दो लाइन है और स्क्यू लाइंस हैं डेफिनेटली, इसके बीच का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो दिस विल बी लाइंग अलोंग दैट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स, समझ रहे हो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तो आपको वो लाइन ढूंढना चाहिए जो दोनों ही लाइन पे क्या है परपेंडिकुलर, ऐसी लाइन मिल जाएगी, वो किसके अलाउ होगा P क्रॉस Q, वो लाइन किसके अलाउ होगा P क्रॉस। तो मान लीजिए कि अगर ऐसी कोई एक लाइन ये वाली है जो दोनों पे कैसा है परपेंडिकुलर, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस विल बी लाइंग अलॉन्ग दैट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस, एंड दिस इज पोर्शन ऑफ दिस लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस, ठीक है, दिस इज पोर्शन ऑफ दिस ग्रीन लाइन विच इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द टू लाइंस, नहीं हम लोग बोलेंगे क्या कि वो इस लाइन का वो पोर्शन होगा जो इन दोनों लाइंस के बीच में इंटरसेप्टेड होगा, तो ये डिस्टेंस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कैलकुलेट, समझ में आएगा, तो लिखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इज द सेगमेंट is the segment of the line intercepted between the two lines intersected between the two lines which is perpendicular to both skew lines, this is perpendicular to both skew lines, ठीक है।
तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ऐसी कोई एक लाइन होगी जो दोनों के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो फिर से ये नहीं कि सर ये परपेंडिकुलर है दोनों पैरेलल हो जाएगा, इसकी लाइन है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इसका ये वाला जो पोर्शन होगा इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्वायर लाइंस। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें सोचो एक बार। अरे देखना, जैसे कि वो हो सकते हो, और अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये वाला जो है पॉइंट ले लिया, और इसी चीज को दो इक्वेशन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली कि हम लोग बोलेंगे एन वन एन टू वेक्टर लिखा निकाल लिया, उसको एक बार P के साथ डॉट कर दिया तो लैम्डा म्यू में एक इक्वेशन मिल जाएगी, और ऐसे ही एन वन एन टू का या फिर रेशियो कंपेयर कर लो अगर क्रॉस निकाल सकते हो तो, और एन वन एन टू को Q के साथ भी डॉट कर लिया तो यहाँ पे लैम्डा म्यू में एक दूसरी इक्वेशन भी आ जाएगी। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि लैम्डा और म्यू निकाल के इन दोनों पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के बाद स्केल से सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूले से नाप सकते, मतलब निकाल सकते हैं, समझ में आएगा। तो एक तो ये है, दूसरा हम एक प्रोजेक्शन से सोच सकते हैं। प्रोजेक्शन से सोचने के लिए सोचना पड़ेगा अपना। अच्छा हेलो, मान लेते हैं कि इस तरीके से दो लाइनें दिख रहा है बबुआ, ये देखिए ये वाला लाइन है एक ठो और ये वाला एक ठो और लाइन है, बुझा रहा है। अच्छा तो हम लोग हो सकते हैं क्या कि ये एक लाइन है जैसे ऊपर वाला ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी, तो देर विल बी सम पॉइंट ऑन दिस हुज पोजीशन वेक्टर विल बी ए वेक्टर। ये मत सोच लेना कि यही वाला है, ये तो एन वन एन टू है, तो अब ये मत बोलना सर उंगली कटवा लो नाप लेते हैं क्या भरोसा है बोल देगी सर ये यही तो नापना है तो उंगली काट के नाप लेते हैं इसमें क्या है। अच्छा तो हमें लगे देर इज अ पॉइंट, मान लिया कि यहाँ है या यहाँ है, कहीं भी मान लो उसमें क्या दिक्कत है, अगर यही मान ले तो लाइन यहाँ खत्म थोड़ी होता है, लाइन तो चलता ही रहता है, क्या बोलते हो। नहीं तो हमें लगे कि एक पॉइंट ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, और ये एक पॉइंट ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है बी वेक्टर, और ये आपको दिख रहा है ये डायरेक्शन है पी क्रॉस क्यू का। तो जब आप इसको घटाओगे, मैंने रैंडमली माना है, मतलब ये मत सोचना कि यहीं पर होता है वो पॉइंट, नहीं बार बार हो सकता है यहीं पर आ जाए बच्चे कुछ चैंपियंस कॉन्सेंट्रेट। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसको घटाएंगे तो दैट इज गोइंग टू बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, वट एवर। आप सोचना कि अगर मैं इस वेक्टर का इसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालता हूँ, इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालता हूँ, तो मुझे तो लगता है यही आएगा, क्योंकि जब मैं ये वाले पॉइंट को प्रोजेक्ट करूंगा तो यही आएगा, और ये वाले पॉइंट को प्रोजेक्ट करूंगा तो ये आएगा। तो कोई भी जो प्रोजेक्शन का पार्ट होगा इसका, वो इससे ऊपर नहीं जा सकता और इससे नीचे जाए। और आप ऐसे थोड़ा फील लेके भी देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि ये जैसे कुछ पोर्शन होगा तो ये टूट टूट के ऐसे गिरता जाएगा और ये पूरा पोर्शन बनाएगा, नहीं समझ में आया। तो ऐसे तो 3D है, मतलब प्लेन में नहीं है, जैसे कि हम लोग ऐसे इसको ला सकते हैं प्लेन में, वो कोई अलग बात है, समझ में आएगा। लेकिन अभी तो आपको ऐसे ही फील लेना पड़ेगा ना कि एक इस तरह का वेक्टर है और एक इस डायरेक्शन में। तो जब आप इसका प्रोजेक्शन लोगे इस डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो पहले फील ले लो ना कि इस वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन तो यही रहेगा और इस वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन ये वाला रहेगा। तो ऑब्वियस बात है कि बीच वाले जितने भी होंगे सब प्रोजेक्ट होकर इधर ही आएंगे, और कंटिन्यूअस इधर भी है तो कंटिन्यूअस इधर भी रहेगा, समझ में आएगा। तो हम लोगों ने इसका कोई भी प्रोजेक्शन का पार्ट इसके नीचे नहीं जाने वाला और कोई भी प्रोजेक्शन का पार्ट इसके ऊपर नहीं जाने वाला, तो क्या प्रोजेक्शन आएगा, यही आएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस इज बी माइनस ए का प्रोजेक्शन पी क्रॉस क्यू के अलॉन्ग। तो अगर सी वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पे लेते हैं तो क्या लिखते हैं, सी डॉट बी अपॉन मॉडलस ऑफ बी, क्या लिखते हैं, सी डॉट बी अपॉन मॉडलस ऑफ बी। तो हम लोग यहां बोल रहे हैं क्या कि हम लोग प्रोजेक्शन किसका ले रहे थे, बी माइनस ए का, किसके, सो दिस इज बी माइनस ए और डॉट और अपॉन अपॉन मॉडलस ऑफ पी क्रॉस, क्लियर है मेरे ख्याल से। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम डायरेक्टली दोनों जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर उसको घटा के और पी क्रॉस क्यू जो निकाल के उसके ऊपर क्या निकाल सकते हैं, इसका प्रोजेक्शन। तो जैसे बी माइनस ए डॉट पी क्रॉस क्यू अपॉन मॉडुलस ऑफ पी क्रॉस क्यू, सपोज सम हाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज जीरो, तो व्हाट कैन वी से अबाउट द लाइन्स। हाँ तो हम लोग लेंगे दे मस्ट बी व्हाट, कोप्लेनर, नहीं तो लिख लेना।
पी और क्यू कोलिनियर अगर नहीं होता है तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरसेक्ट ही करना पड़ेगा फिर, बाकी कोप्लेनर तो इन ऑल कह ही सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लिख लेना, ठीक है अपन ऐसा कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं एक सवाल की तरफ, लिखें फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइन्स ये लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो याद हो तो एक फार्मूला था, फार्मूला वाज बी माइनस ए, तो बी माइनस ए करोगे तो मेरे ख्याल से तो ये वन आ जाएगा, ये ज़ीरो आ जाएगा और डॉट पी क्रॉस यू, मतलब इनका क्या था क्रॉस और ऊपर नीचे क्या होगा इसका मॉडुलस। तो अलग अलग कि अगर इसका क्रॉस था तो मेरे ख्याल से ये दिख रहा है माइनस टू और फिर क्या दिख रहा है प्लस फाइव, तो मेरे ख्याल से क्या थ्री। फिर इसी तरीके से देखेंगे तो फोर और माइनस थ्री वन, तो ये माइनस वन और फिर हम लोग बोल सकते हैं कितना माइनस टेन और प्लस थ्री इज माइनस सेवन और नीचे इसका मॉड, तो ऑब्वियस आते हैं नौ एक दस और उनचास क्या आ जाएगा रूट अंडर फिफ्टी नाइन। आप ये देख सकते हो तीन और प्लस सात कितना हो गया दस, तो दिस विल बी टेन अपॉन रूट ओवर 59, दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस निकालना सीखा था एक पॉइंट का एक लाइन से, नहीं तो पॉइंट का अगर हम लाइन से डिस्टेंस निकाल रहे थे, मान लो कि ये पॉइंट है एंड दिस लाइन इज दिस लाइन इज आर वैक्टर इक्वल टू पी प्लस लैमडा क्यू और दैट पर्टिकुलर पॉइंट हैविंग पोजिशन वैक्टर ए वैक्टर, इसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो याद हो कि इसको निकालने के लिए मैंने एक तरीका डॉट प्रोडक्ट का बताया था। डॉट प्रोडक्ट का क्या तरीका बताया था कि इस पॉइंट को वेरिएबल टर्म में मान लेंगे पी प्लस लैमडा क्यू, कुछ बच्चे पूछ लेते हैं ये पॉइंट ऐसे कैसे आ गया, बट ठीक है पी प्लस लैमडा क्यू मान के इन दोनों को घटा के उसके बाद क्यू के साथ इसका डॉट क्या करते थे और उसके बाद लैम्डा में जो इक्वेशन बनी उसको सॉल्व कर लेते थे। ये तो डॉट प्रोडक्ट वाला तरीका है, वेक्टर प्रोडक्ट से भी हम कर सकते हैं। जैसे इस वाले लाइन के ऊपर एक पॉइंट होगा जिसका पोजीशन वेक्टर होगा पी वेक्टर, आप देख सकते हो ये जो वेक्टर है, नहीं अगर हम लोग इन दोनों वेक्टर के बीच का ए वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का एंगल थीटा माने तो ये जो लेंथ होगा दिस इज मॉडुलस ऑफ ए माइनस पी साइन थीटा, नहीं तो हल वाले जो डिस्टेंस है That is modulus of a minus sorry p और क्या आएगा sin theta, मेरे ख्याल से दिख रहा है लेंथ है modulus a minus p और ये एंगल theta है तो ये आ जाएगा modulus of a minus p sin theta। इसको हम theta sin theta को क्रॉस प्रोडक्ट से खा सकते हैं, जैसे डॉट को मतलब cos theta को डॉट से, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं modulus of a minus p cross q cap। अब बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि देख लो इसको ओपन करके मॉडुलस ऑफ ए माइनस पी इंटू मॉडुलस ऑफ क्यू कैप दैट इज वन और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए माइनस पी वेक्टर एंड क्यू कैप, क्यू कैप तो इसी के अलावा होगा तो उसका एंगल क्या है साइन थीटा। तो इस तरीके से भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट भी डायरेक्टली डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन और क्रॉस विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन, तो ए माइनस पी क्रॉस क्यू कैप। आगे बढ़े नेक्स्ट, ऐसे अगर दो पैरेलल लाइंस है जैसे आर वेक्टर तो इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस जो है हम लोग विद द हेल्प ऑफ क्रॉस निकाल सकते हैं, नहीं बताओ क्या आएगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस।
डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. वन ऑफ द लाइन इज आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी एंड द अदर लाइन इज आर वेक्टर इक्वल टू सी प्लस म्यू बी. तो बोले फिर से वैसे ही कुछ सिचुएशन है कि हम लोग बोल रहे हैं कि एक पॉइंट होगा इस पे जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा ए वेक्टर, देयर विल बी अनदर पॉइंट ऑन दिस पोजीशन वेक्टर विल बी सी वेक्टर एंड बोथ द लाइंस विल बी पैरेलल विद वेक्टर बी. और हमको इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो फिर से इसको, और यही तो निकालना है ना आपको डिस्टेंस, नहीं यही तो डिस्टेंस मिले. अगर इसको थीटा मानोगे तो फिर से इसको लिख सकते हो उस लेंथ को मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी साइन थीटा जस्ट लाइक दैट. और फिर से अलग अलग साइन थीटा को खाने का वही कि बी के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं तो सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी और क्रॉस क्या हो जाएगा आपके पास बी का, दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन. एक टेट्राहेड्रन है this point is a 012 this point is b 301 this point is c 436 and this point is d 232. ठीक है, लिखेंगे अगर लिख लिया हो तो, बना लिया हो तो फाइन फाइन. पहला पार्ट है पोजीशन वेक्टर, फाइन पहला पार्ट है पोजीशन वेक्टर कोरिस्पोंडिंग टू, फाइन पहला पार्ट है पोजीशन वेक्टर कोरिस्पोंडिंग टू द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पोजीशन वेक्टर corresponding to the point of concurrency of the join of the midpoints, position vector corresponding to the point of concurrency of the join of the midpoints of each pair of opposite edges, position vector corresponding to the point of concurrency of the join of the midpoints of each pair of opposite edges, of each pair of opposite edges. Second है find position vector of the foot n from the vertex a, find position vector of the foot n from the vertex a and the perpendicular distance of a, find position vector of the foot n from the vertex a and the perpendicular distance of a from the face BCD and the perpendicular distance of A from the face BCD, A from the face BCD. Next is image of A, next is image of A in the plane face BCD, image of A in the plane face BCD. Next is altitude of the tetrahedron, altitude of the tetrahedron from the vertex A, altitude of tetrahedron from the vertex A without calculating the foot n, altitude of tetrahedron from the vertex A without calculating the foot n, without calculating the foot n. Next, volume of the tetrahedron, next is volume of the tetrahedron. Next, unit vectors normal to the plane face ABC and ADC, unit vectors normal to the plane face ABC and ADC, unit vectors normal to the plane face ABC, ABC and ADC. Next, acute angle between the planes ABC and ADC, acute angle between the planes ABC and ADC,
एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स ए बी सी एंड ए डी सी. नेक्स्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइन्स ए डी एंड बी सी. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइन्स ए डी एंड बी सी. Shortest distance between the skew lines AD and BC and also angle between them. Yeah, acute angle between them and also acute angle between them. Next is equation of the plane ABC. Equation of the plane ABC. Next is a unit vector parallel to the plane EMF. EMF. A unit vector parallel to the plane EMF and perpendicular to the vector I plus J minus K and perpendicular to the vector I cap plus J minus K. जहाँ पे देख सकते हो कि जो EMF वाला प्लेन है उसमें E AC पे है और ऊपर से 1:2 में डिवाइड कर रहा है, M मिड पॉइंट है और F AB को ऊपर से 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. देख लिया, कर लेना घर पे अगर सारा काम हो गया हो तो.